यहाँ पे नालियों का ये हाल है, और आज से नहीं है, कई साल से यही हाल है। इससे पहले सविता इंदिरा रेड्डी और उनके बेटे भी आए थे, आके यहाँ का हाल सब देख के गए। लेकिन साल पहले आए, 2 साल पहले आए थे, आए देख के गए, हाँ हम करा देंगे बोले, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो आप, ये पूरा हाल ऐसे ही है यहाँ पे, ना रोड है, अरफात कॉलोनी है। अरफात कॉलोनी है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप इधर भी थोड़ा तवज्जो दीजिए, इधर आइए, आप आके देखिए यहाँ पे क्या हाल है। चलने का रास्ता नहीं है, अभी तो सूखा है, बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश में क्या हाल होगा। हर साल यही होता है कि अभी नहीं, आते साल में, आते इलेक्शन में बनेगा, लेकिन कई इलेक्शन आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वोट बराबर ले रहे हैं, बराबर बराबर दे रहे हैं वोट। एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी का एरिया या पब्लिक है, अरफात कॉलोनी है, शाहीन नगर जलपल्ली म्युनिसिपल में आता। एजुकेशन मिनिस्टर MLA है रंजीत रेड्डी, MP है यहाँ की। यहाँ की आवाम की तकलीफ यही है कि यहाँ भोरी का प्रॉब्लम है, पीने के पानी की लाइन डाले, 2 साल हो गए अब तक चालू नहीं करे, लाइट का प्रॉब्लम है ना। यहाँ मुकामी चेयरमैन आके पूछता इन लोगों को, ना मुकामी कारपोरेटर आके पूछता, खाली इन लोगों का फोटो में, खाली फूला पहनने में, रात में दावत हुई तो दावतों में, रात में बैठकों में, इसमें दिखते। जब खटका मार के वोट मांगते रहे, जब नहीं दिखते, जब इन लोगों का याद नहीं आए, जब आते याद, अब इनकी परेशानी में तुम लोग नहीं आते। कोई आके पूछे आज तक आपको तकलीफ क्या है? कोई नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे। ये आपकी खुद से बोल रही या नहीं, मैं बोलने से बोल रहा हूँ? आप कहीं को बोलते हैं, हम रात दिन यहाँ रहने वाले हैं तो हमारे को तकलीफ है, तो आप ही बोल रहे हैं? मैं ही बोल रही हूँ, सिखा के बोल रहा हूँ। बोलते आप कहीं को सिखाते? मैं उम्र सिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ बच्चे मेरे पैदा भी हो गए, जवान भी हो गए, देखो बच्चे ठहरे हुए है ना, और मालूम है लोगों को सब कुछ, आ रहे लोगों को यहाँ कितने साल से हम है। तो ये 5 साल में आप जीता, जब से आज तक कोई नहीं पूछा आपको, खड्डा मार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये बोल रहा हूँ मैं, बड़ंगपेट मीरपेट जाके देखो, मैडम चमका दिए। मैडम फिर एक बार बोल रहा हूँ, पब्लिक आखिरी में क्या कर रही है आप देख रहे होंगे, 2-4 दिन से कैसे वीडियो आ रहे हैं, पूरे कांग्रेस में चले जा रहे हैं, लेडीसा घरों तक कांग्रेस में चले जा रहे हैं, आप देखो नरसिम्हा रेड्डी गने चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर तुम हार जाए, पब्लिक का काम करो, पब्लिक वोट डालती दूसरी बार। तुम एजुकेशन मिनिस्टर, 1/10 का स्कूल है यहाँ, स्कूल है 1/10 का, बच्चों को स्कूल है, बारकस का स्कूल है, यहाँ का है बारकस, अकबरवैसी का स्कूल है, वो किसका है नहीं, बारकस को जाते स्कूल है, बारकस में, बारकस का स्कूल। आप 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर है, एक स्कूल 10th का नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ने के वास्ते नहीं है, बस्ती दवाखाना है यहाँ, यहाँ बस्ती दवाखाना तक नहीं है। तुम खाली मीरपेट बड़ंगपेट में करते क्या? यहाँ आओ, ये देखो, ये सब बताओ, ये हाल बताओ, देखो खाला बता, देखो देखो आप बताइए, बताते अभी बारिश शुरू होने वाली है, क्या हाल होगा मोहल्ले का? ये तो कोई तो अल्लाह का बंदा आके पूछना चाहिए किस हाल में है। देखो आज ये पब्लिक है, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जलपल्ली म्युनिसिपल के जो भी जिम्मेदार है उन लोगों को, और एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी को बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक माइनॉरिटी परेशान है। आप जीते इनकी बदौलत से, आप करा रहे हैं काम, मीरपेट बड़ंगपेट कराओ, मगर यहाँ पे भी आके देखो, 2 साल होगा, शर्म की बात है। तुम MLA है क्या है? 2 साल से एरिया में नहीं आए तुम इनके, बताइए आप, खाली खाली सेंशन हो गए, करोड़ों रुपये वो हो गए, ये हो गए, आज तक जलपल्ली म्युनिसिपल बने तक कुछ नहीं हुआ, खाली इतना करोड़ करा दिए, क्या कराए? पब्लिक इतनी गरीब एरिया के अंदर ये माहौल है, सिर्फ आप अमीर एरिया के और लीडर अपने अपने घरों का रोड दला ले रहे हैं, काउंसलर अपने अपने घरों का रोड दला ले रहे हैं, इंचार्ज अपने अपने घरों का बाउंड्रियों का जमीनों का रोड दला ले रहे हैं, तो गरीबों कहाँ जाना बताओ? तो फिर एक बार 6 महीने में इलेक्शन है, याद रखो, BRS TRS कुछ काम नहीं कर रही, ये आवाम वोट डाली तो तुम जीतते, अगर काम नहीं करेंगे तो भूल जाओ यहाँ से, चाहे कौन सी भी पार्टी वाला रहने दो, हम उसको जिता के काम करेंगे। फिर शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बात है, हम अगर शिक्षा के सामने अगर आप काम नहीं करेंगे तो किसी को भी दूसरे को जिता के हम काम करेंगे, काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, जरूर दूसरों को जिताएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे। है मैडम यहाँ पे कन्या, देखे तो ऐसे है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्लीम बेगम है, 25 साल से है मोहरिया, देखो ऐसी से अब तक हर महल्ले तरक्की हो गई है, महल्ले में तरक्की नहीं हुई अब तक, इमरजेंसी केस हो गया तो कोई ऑटो नहीं आता, कोई गाड़ी नहीं आता, रास्ते में हम किधर किधर से होते हुए जाना, बोलो मैडम यहाँ पे कोई
आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पे कुछ तो भी हम आपको अच्छा करो, रास्ता सही नहीं है, रोड सही नहीं है, पूरे पूरे मोहरिया में डेंगू का पानी जाते रहता, किधर से तकलीफ उठेंगे, बच्चे छोटे छोटे है, मच्छर आते रहते, इसको बोलना मैडम आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप ये आके महल्ले में देखिए, आके महल्ले के महल्ले का नाम संदेश नगर है, आज तक 25 साल हो गया, सब बोलते आके करते करते बोलते कोई नहीं करते मैडम, वोट बराबर डालते, एक वोट मिस नहीं है हमारा, देख लो चेक करके, मगर वोट लेते मगर कोई काम नहीं करते हमारे महल्ले में आके। कोई लीडर आके आज तक पूछा आपको? नहीं पूछा, कोई लीडर नहीं आया, कोई आया नहीं, पूछे नहीं, कोई करे नहीं, आप है, आपको आपको बोल रहे हैं, आप जरा मैडम से गुजारिश करके हमारे यहाँ के महल्ले की तरक्की कर दो जरा। ये मैं सिखा रहा हूँ तो बोल रहे हैं तुम्हारी नहीं, नहीं, हमारी ये तकलीफ है, आप कहीं कुछ सीखेंगे बहुत तकलीफ है हमारे को, बस्ती की हर चीज से तकलीफ है, रास्ते को जाने की, स्कूल खरीद स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, स्कूल नहीं है, छोटे बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का भी नहीं है, बस्ती दवाखाना है नहीं है, बस्ती दवाखाना भी नहीं है हमारे को, ऑटो को जाना तो एराकुंटा जाना, नहीं तो कुत्ता पेड़ जाना, वहाँ से चल लेते भी आना, कोई रोड सही नहीं है हमारे वास्ते, कोई ऑटो नहीं आता हमारे वास्ते, कोई हम कोई बुक कर रहे तो भी कोई ऑटो नहीं आता हमारे वास्ते, मैडम हम कैसा रह रही नहीं है, हम कैसा रह रहे, रास्ता एक रास्ता सही नहीं है, बारिश में तो किचकिचा बना रहता है यहाँ पे, बारिश में कदम नहीं रखे जैसा है, आप ये महल्ले की हालत देखिए मैडम, ये महल्ले में देखो नालियाँ देखो झाड़ा देखो कैसे मैडम, मच्छर इतने है पूछो मत, जरा आप ख्याल करें, आप गुजारिश ये है कि आपसे आके महल्ले की जरा तरक्की कर दीजिए मैडम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, हमारी यही गुजारिश है, बोलो आवाज नहीं, चलो मेरे का नाम तो ये तकलीफ हमारे हो रही 10 साल से मैडम आ रही हैं, लेकिन हमारे को हर साल यही बोल रही इलेक्शन में आके कि हम करा देंगे, डेनिश लेन ला लेंगे, आज तक नहीं करे, पानी लाइया मीठा, आज तक पानी नहीं है, समझे, परेशान बच्चे चल नहीं सक रहे रोड पे, गिर जा रहे हैं, हालत है, आदमी गिर गया, खाली बोल रहे हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, कब कराते, सिर्फ इलेक्शन में बोलते कि हम करेंगे, इलेक्शन खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं कराते, खाली वोट बन गए, खाली वोट ले रहे जा रही, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2, हाँ मैं भी बोलता हूँ वार्ड नंबर 2 पे है, आइए मौलाना आप बोलो आपकी क्या तकलीफ है, आप बोलो भाई, वोट लेने टाइम में तो बराबर आते हैं, आवाज से वोट लेने टाइम में बराबर आते हैं, इतना डैमेज है कि रे मकोरे और किसका एरिया है, सविता रेड्डी का एजुकेशन है, सविता रेड्डी इधर के जो है ये है पूरे एमएलए है, और यहाँ के रोड पूरे हालात खराब है, पूरे बारिश हुए तो कीचड़ हो जाते हैं, पूरे एकदम कचरे हर तरफ, और क्या कहते हैं डैनेज नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डैनेज का पानी रोड पे आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, आप लोग रहते हुए ऐसा हो रहा तो कैसे होता, तो देखिए कोशिश कीजिए, डैनेज यहाँ के क्या है, आप अब हम मदरसा चला रहे हैं यहाँ पर, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके, 60 बच्चे हमारे पास है, तो परेशानी है, बहुत परेशानी है, रोड पे पानी आया हुआ है, बहुत परेशानी है, उनके बच्चे भी रह नहीं सकते, यतीम बच्चे है, पूरे यतीम यसीर बच्चे है, यतीम यसीर बच्चे पढ़ते हैं, बीमारी हुई तो परेशानी है, हाँ वही कर रहे थे, हो जाता तो मेरे लिए बेहतर रहता, एजुकेशन ये एरिया का नाम क्या है, ये मरियम कॉलोनी के अंदर आती है, तो ये पूरी पब्लिक है, देखो पूरों का फिर पीछे बराबर कराना, देखो ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर, आज मैं जेलपल्ली म्युनिसिपल के एरिया एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदर रेड्डी और रंजीत रेड्डी एमपी के एरिया में आज दौरा करा हूँ, आवाम से मिला हूँ, यहाँ की ये संदेश नगर भी बोलते कहते, अरफात कॉलोनी भी बोलते, बाजू मरियम कॉलोनी भी है, फिर अबूबकर कॉलोनी है, इसके पीछे बिस्मिल्ला कॉलोनी, ये एरिया के अंदर मोरियों का प्रॉब्लम, नल का 2 साल हो रहा लाइन डाल के कहते आज तक पानी नहीं खोले, लाइट का वोल्टेज मगरिब होते कि कम हो जाता, यहाँ पे एक 10th का स्कूल नहीं है, एक 1st ईयर का कॉलेज नहीं है, एक छोटे बच्चों का स्कूल तक नहीं है, 5 क्लास 6 क्लास का भी स्कूल नहीं है, नर्सरी LKG का भी नहीं है, फिर मैडम एजुकेशन मिनिस्टर है, फिर बस्ती दवाखाना नहीं है, इन लोगों रातों में गाड़ी बुक कराए तो यहाँ ऑटो नहीं आता, 2 व्हीलर तक नहीं आती, कैंसिल हो जाता, इनको यहाँ से ऑटो के वास्ते 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जाना है एरागुंटे की रोड तक, नहीं तो बिस्मिल्ला बड़के जाड़ कुत्ता पेट सलाला की रोड पे जाना पड़ता, तो यही बताना चाह रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदर रेड्डी, यही आवाम वोट डाली तो जीते आप, और यहाँ का मुकामी कारपोरेटर 2 नंबर वार्ड खाली फूला पहन रहा, फोटो में चेयरमैन उन्हें खाली एज कर रहे हैं, ये करा दिए हम जेलपल्ली म्युनिसिपल बने जब से वो करा दिए, ये पब्लिक बोल रही है सो झूठ बोल रही है, फिर कुछ भी नहीं करा सो,
करा है आपका काम वहाँ? खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ओटा क्या बोलते वोट डालते। अच्छा एक बात, वोट डालते जब ऑटो बेचते वोट डाल दिया फिर पूछते पलट के? देखो आवाम का कहना है वोट मांगने से पहले खटका मार के बोलते हम नहीं करे तो हमारा कॉलर पकड़ो, खटका मार के हमारे घर पे पूछो। पूछने वाले आए तो ये बता रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर सविता रेड्डी जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर आप काम नहीं करा रहे, खाली आप मीरपेट बड़ंगपेट में काम करा रहे हैं। याद रखो ये सारी आवाम के वोट कितने आपको मालूम? 1,00,000 वोट है जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर। सारे मुसलमान के अगर वोट नहीं पड़ेंगे तो आप फिर कभी नहीं जीतेंगे ना मिनिस्टर बनेंगे। आप समझ रहे हैं मिनिस्टर रहे तो हमेशा के वास्ते नहीं रहते, तख्त पे बिठाना भी पब्लिक का काम है, तख्त से उतारना भी पब्लिक का काम है। एक एक वोट कीमती रहता इलेक्शन के अंदर। और मुरीदों को दलालों को बोल रहा हूँ उनके कमेंटों में जो बड़े बातें करते, आके देखो रे पब्लिक के बारे में पूछो, आओ खाली वीडियो फोटो में रहते रहे, आओ आके देखो। आवाम बोल रही तो गलत बता रही क्या? मैं गलत बता रहा हूँ क्या? खाली बैठ के बड़े बड़े बातें करते रहे कुर्सियों पे एसियों में? हाँ आओ पब्लिक बताती, चप्पल से मारती पब्लिक, आखिरी में चप्पल से मारती वोट के टेम आए तो। अगर काम 6 महीने में नहीं कराए ना वोट मांगने आए जब चप्पल से मारते, ये लोग याद रखो क्या बोल रहे हैं। बरसात आए जब इससे बुरा हाल है, अगर 6 महीने से पहले इलेक्शन से पहले ये गलियों के काम नहीं कराए तो वोट मांगने क्या सूरत से आते रहे? चप्पल से मारते या औरता तुम लोग? इंशाल्लाह फिर दूसरी बार मिलूंगा। अदा और शुक्रिया, खुदा हाफिज़।